हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। ऊर्जा संसाधन, देखो ऊर्जा संसाधन है वो एक ऐसा संसाधन है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वर्तमान में औद्योगिक दृष्टि से, सूचना प्रौद्योगिकी दृष्टि से किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है। और भारत में इसकी जो ऊर्जा के विकास की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 19वीं शताब्दी के अंत में, यानी भारत में विद्युत का उत्पादन के लिए सर्वप्रथम विद्युत गृह की जो स्थापना हुई थी वो जल विद्युत के तौर पर हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत गृह का कारखाना है या जल विद्युत गृह है वो 1897 के अंदर दार्जिलिंग जिले के सिंद्रापोंग से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी भारत में जो जल विद्युत की शुरुआत हुई थी वो 1897 में दार्जिलिंग के सिंद्रापोंग से हुई थी और ये भारत का पहला जल विद्युत गृह यानी स्थापित किया गया था। इसके बाद में विद्युत विकास के क्षेत्र में दूसरा जो प्रयास हुआ वो 1902 में हुआ, शिव समुद्र जलप्रपात है वहाँ पे पन बिजली के रूप में उत्पादन है वो शुरू हुआ है। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में, यानी शिव समुद्र जलप्रपात है वो कर्नाटक में है। और कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। वर्तमान में इसमें जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। तो विद्युत के विकास में सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो जल विद्युत के रूप में हुई थी और जल विद्युत एक ऊर्जा का परंपरागत स्रोत भी माना जाता है। तो राजस्थान के अंदर जब राजस्थान का अस्तित्व हुआ आया या यूं कहें कि वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ कब? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान की स्थापना हुई। उस समय राजस्थान में मात्र 15 विद्युत गृह थे और उनसे 13.27 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। यानी स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में खास करके जहां भौगोलिक दशाएं हैं वो विकट है, जनसंख्या है वो इस प्रकार विरल रहती है, ऐसी कंडीशन के अंदर राजस्थान में विद्युत के क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया था। और स्वतंत्रता के बाद में ही राजस्थान में अधिकांश यानी कि विद्युत के क्षेत्र में विकास हुआ, विद्युत का उत्पादन होने लगा है। फिर भी भारत में या राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्तमान में बिजली बनाई जाती है, पावर बनाई जाती है, वो बनाई जाती है तापीय ऊर्जा का मतलब क्या है कि अगर बिजली कोयले, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम इनसे जो बिजली बनाई जाती है उसको अपन कहते हैं तापीय ऊर्जा। और भारत में भी सर्वाधिक यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता है वो तापीय ऊर्जा से पूर्ति होती है। राजस्थान में भी अधिकांश ऊर्जा है वो तापीय ऊर्जा से ही बनाई जाती है क्योंकि राजस्थान में ऐसी कोई वर्षवाहिनी नदी नहीं है चंबल नदी को छोड़कर, या जो पूरे साल भर बहती है, पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है और जिसमें निरंतर पूरे साल भर पानी का बहाव रहता है जिससे जल विद्युत का उत्पादन किया जा सके। तो राजस्थान में अधिकांश यानी कि ऊर्जा तापीय ऊर्जा से उत्पादित की जाती है और
तापीय ऊर्जा की बाद में वर्तमान में दूसरा स्थान है वो है अक्षय ऊर्जा का। अक्षय ऊर्जा यानी अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन है वो अवरोही क्रम में इस प्रकार है कि सर्वाधिक राजस्थान में ऊर्जा के उत्पादन है वो तापीय ऊर्जा से होता है, इसके बाद में अक्षय ऊर्जा से, अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से। अक्षय ऊर्जा का मतलब है कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है, जैसे इसमें भी पवन ऊर्जा है, उसके बाद में सौर ऊर्जा है और उसके बाद में है जैविक ऊर्जा। इनसे राजस्थान के अंदर यानी कि ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है जिसको अक्षय ऊर्जा कहते हैं। तो सर्वाधिक राजस्थान में ऊर्जा का उत्पादन तापीय ऊर्जा के स्रोतों से होता है, फिर अक्षय ऊर्जा से होता है और उसके बाद में होता है जल विद्युत ऊर्जा और उसके बाद में है परमाणु ऊर्जा। ये राजस्थान के अंदर वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है, इसकी पूर्ति के लिए समय समय पर इसमें विकास करने और इसके उत्पादन में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। राजस्थान में इसके लिए जो ऊर्जा के नियंत्रण प्रबंधन उत्पादन करने के लिए, इसके विकास करने के लिए समय समय पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई है? 1 जुलाई 1957 को राजस्थान में राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई। इसके बाद में राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जून 2000 को राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई है। और राजस्थान के अंदर विद्युत का उत्पादन करने, उसका वितरण करने, उनका नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार ने एक यानी कि राजस्थान विद्युत अधिनियम 1909 के अंदर पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत 19 जून 2000 को राजस्थान में विद्युत का उत्पादन, वितरण और नियंत्रण करने के उद्देश्य से 5 विद्युत कंपनियों का गठन किया गया है। ये 5 विद्युत कंपनियां राजस्थान के प्रमुख शहरों, ग्रामीण इलाकों और शहरी क्षेत्रों के अंदर विद्युत का वितरण करने, नियंत्रण करने और प्रबंधन करने का कार्य करती है। तो राजस्थान के अंदर जो उत्पादित विद्युत है उसका सही रूप से वितरण करने के लिए, उस पर नियंत्रण और प्रबंधन रख रखाव करने के उद्देश्य से 1999 के अंदर राज्य विद्युत अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत राजस्थान में 5 विद्युत कंपनियों की स्थापना की गई है। ये जो 5 विद्युत कंपनियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने अलग कार्य करती है, जिसमें देखो सबसे पहले जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ये कहाँ पे हैं? जयपुर में है, इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। इसके कार्य क्षेत्र है वो है राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए, राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए जो विद्युत परियोजनाएं हैं, जिसमें राज्य विद्युत मंडलों का नियंत्रणाधीन सभी विद्युत परियोजनाएं इसे हस्तांतरित कर दी गई है। और साथ ही साथ ये राजस्थान के विद्युत उत्पादन से संबंधित जो कंपनियां हैं, जो निजी कंपनी या सरकारी है, उसका नियंत्रण और प्रबंधन का कार्य भी करती है। इसके अलावा दूसरा जो कंपनी है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय भी जयपुर के अंदर है।
ये इसके अंतर्गत 765 केवी वाले जो विद्युत गृह है, 400 केवी वाले विद्युत गृह है, 220 केवी वाले विद्युत गृह है और 120 केवी वाले विद्युत गृह है, उन विद्युत प्रसारण लाइनों एवं सब स्टेशनों का निर्माण, परिचालन करना और संचालन संबंधी कार्य दिया गया है। यानी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो जयपुर है, उनका कार्य ये है कि वह 132 केवी, 220, 400 केवी और 765 केवी के विद्युत प्रसारण जो लाइनें हैं एवं उनका सब उनसे संबंधित जो सब स्टेशन हैं उनका निर्माण करना, परिसंचालन करना, संचालन करना संबंधी कार्य करता है। इसके अलावा ऊर्जा के जो व्हीलिंग एवं तंत्र का संचालन संबंधी भी कार्य करता है और विद्युत संबंधी सूचना है या उनके आंकड़ों का संकलन करना, अध्ययन करना, अन्वेषण करना, आधुनिकीकरण करना, इससे संबंधित जो अध्ययन करके जो सुधारात्मक प्रयास है उनको लागू करना, ये भी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर के द्वारा किया जाता है। इनके अलावा मित्रों, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो कंपनी है वो जयपुर में है और ये निगम राज्य के 12 जिलों के अंदर विद्युत का वितरण का कार्य करती है। तो राजस्थान के यानी कि 12 जो ज़िले हैं जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, बारा, बूंदी, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, झालावाड़ आदि जिलों के अंदर विद्युत वितरण का कार्य जयपुर विद्युत वितरण निगम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो कंपनी है जो अजमेर में स्थापित है, ये भी राज्य के 11 जिलों के अंदर विद्युत का वितरण का कार्य करती है जिसमें झुंझुनू, सीकर, नागौर और अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के अंदर विद्युत वितरण का कार्य करती है। नेक्स्ट जो पांचवी कंपनी है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जिसका मुख्यालय जोधपुर के अंदर है और ये निगम भी राज्य के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के 10 ज़िले हैं उनमें विद्युत वितरण का कार्य करती है जिसमें जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, नागौर जिले के लाडलू पंचायत समिति में विद्युत वितरण निगम का कार्य है वो जोधपुर विद्युत वितरण निगम के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर इन 5 कंपनियों के द्वारा विद्युत का वितरण करना, विद्युत से संबंधित यानी कि उत्पादन करना या उसका रख रखाव करना, उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं, जो आंकड़े हैं उनका संकलन करना, उनसे संबंधित कोई अन्वेषण है या उनमें जो सुधार है, आधुनिकीकरण करना है, इस संबंध में ये कार्य करती है और अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन फिर भी राजस्थान के अंदर विद्युत के विकास के लिए समय समय पर और भी विभिन्न संस्थानों की स्थापना की गई है जिसमें राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड विद्युत के थोक विक्रय और थोक क्रय और विक्रय संबंधी कार्यों, अधिकारों, विद्युत मितव्ययता और तत्संबंधी समझौतों के अंतर्गत प्रदेश की विद्युत वितरण की आवश्यकता के अनुरूप लघु, मध्यम, दीर्घकालीन आधार पर सस्ती बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 25 अगस्त 2015 को राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का गठन किया गया है और ये जो कंपनी है वो 4 दिसंबर 2015 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कार्य करेगी। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर जो भी विद्युत निजी कंपनियां उत्पादित हो रही है या दूसरे राज्यों से खरीदने का काम है
उसे क्रय करना, विक्रय करना, सस्ती दरों में उपभोक्ताओं को विद्युत की को उपलब्ध करवाना, ये संबंधी कार्य देखने के लिए राजस्थान के अंदर राज्य ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना है, वो 15 अगस्त 2015 को की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 29 जनवरी 2004 को एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को भी विद्युत अधिनियम 2013 की धारा 39(1) के तहत प्रसारण हेतु यह निकाय घोषित किया गया है। तो राजस्थान में विद्युत का प्रसारण के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम जो कंपनी है उसको इनका जिम्मा दिया गया है, जिसका मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। इनके अलावा राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड की भी स्थापना की गई है। वर्तमान में जो राज्य में 5 विद्युत कंपनियां हैं उसको वित्त उपलब्ध करवाने हेतु उसको फाइनेंशियल जो लाभ है या फाइनेंशियल प्रबंध है उनकी व्यवस्था करने हेतु राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का गठन किया गया है और इसकी स्वीकृति के बाद इस कॉरपोरेशन के पंजीयन के अंतर्गत आने वाली सारी जो विद्युत कंपनियां हैं उसको वित्त संबंधी समस्याओं का यानी कि समाधान होगा और वित्तीय व्यवस्था का यानी उपलब्धता भी रहेगी। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने एक 14 अक्टूबर 2015 को राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जयपुर को भी इसके इनका पुनर्गठन किया गया है, जिसका नाम है राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है। तो इस प्रकार इस जो राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है और जिसका उद्देश्य है कि जो भी कंपनियां हैं, रिजर्व कंपनियां हैं या विद्युत उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं, विद्युत वितरण करने वाली कंपनियां हैं, उसको फाइनेंशियल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल व्यवस्था उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख दायित्व रखा गया है। इसके अलावा राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने एक ही चरण में विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम को अपनाया है और ये कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक से 1800 करोड़ डॉलर के ऋण का समझौता हुआ है और उसके तहत राजस्थान के अंदर एक ही चरण में विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम है वो अपनाया गया है, जिससे राजस्थान के अंदर विद्युत का उत्पादन भी किया जा सके और इससे संबंधित विभिन्न जो पावर स्टेशनों की स्थापना की गई है, जिसमें सुपर क्रिटिकल पावर क्या होता है कि जिन बिजली घरों में एक ही इकाई के अंदर अगर 500 मेगावाट से अधिक विद्युत का उत्पादन होता है तो उसे सुपर क्रिटिकल बिजली घर कहते हैं। जैसे वर्तमान में राजस्थान में सूरतगढ़, बांसवाड़ा और सबड़ा ये सुपर क्रिटिकल ताप गृह कहलाते हैं, यानी ऐसे बिजली घर जिनकी एक इकाई में या एक इकाई से 500 मेगावाट से अधिक विद्युत का उत्पादन होता है तो उसे सुपर क्रिटिकल बिजली घर या सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह कहते हैं, जिसमें राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह है वो सूरतगढ़ है, उसके बाद में बांसवाड़ा और सबड़ा ये भी सुपर क्रिटिकल में शामिल किए गए हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी विद्युत का उत्पादन करना और इस योजना का लगभग 35.70% जो वित्त खर्च था वो विद्युत के क्षेत्र में होने का प्रावधान किया गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो प्रस्तुत की गई उसमें राज्य में सर्वोच्च जो प्राथमिकता थी वो विद्युत का उत्पादन करना था। तो इस प्रकार
विद्युत की दृष्टि से राजस्थान है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है, इसीलिए यहाँ वर्तमान में ऐसे गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विद्युत का उत्पादन हो सके और विद्युत की जो बढ़ती मांग है उसकी आपूर्ति समय पर की जा सके।